हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म अतरंगी रे को लेकर, जिसे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जानेंगे आज इस वीडियो में कि ये फिल्म हिट हुई या फिर फ्लॉप, क्या वर्डिक्ट मिल रहा है इस फिल्म को अभी तक, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज हुए आज 6 दिन पूरे हो चले हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत लंबा वक्त हो चुका है। वेल, बात करें फिल्म को लेकर अतरंगी रे, जो कि रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और आज की यंग जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मूवी है। और जिसको वर्डिक्ट मिल रहा है वो अभी तो यार कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 6 दिन हुए हैं, लेकिन कलेक्शन जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइंग है। प्लेटफॉर्म है इसका डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर ये कहें जो टॉप प्लेटफॉर्म है ना OTT के मामले में, उनमें से ये एक है। और इस पर आपको बता दूँ, करोड़ों की मात्रा में सब्सक्राइबर्स हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस फिल्म को एक्वायर किया है 150 करोड़ रुपये में। लीडिंग में आपको नजर आए अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष। डायरेक्शन दिए जाने माने डायरेक्टर आनंद एल राय ने। कलेक्शन की बात आती है तो ये फिल्म काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। महज 6 दिनों के अंदर अंदर ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फिल्म ने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है। आज ये फिल्म अपने 6 दिन कमा रही थी कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपये, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात थी फिल्म की। और जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का अभी तक, हो चुका है 103 करोड़ या फिर 102 करोड़ रुपये बहुत ही आसानी से। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय, और आपको क्या लगता है कि ये जो कलेक्शन है फिल्म का कब कहाँ तक जाएगा? कहने का मतलब ये है, 150 करोड़ कमाएगी, 200 करोड़ कमाएगी या 250? जो भी आपके कलेक्शन को लेकर प्रेडिक्शन आपका जो भी निकल के आ रहा है, आपका जो अजम्पशन है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और फिल्म आपने देखी या नहीं वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।